देखिए यहाँ पर जो मोल के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो यूनिटरी मेथड जो यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, जैसे 20 पेन की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपये होते हैं। तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 100/20, ओके भाई, ठीक है, कितनी आ जाएगी। तो 10 पेन की कॉस्ट निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जो 100/20 × अपने करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 कर लेंगे, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो है, ठीक है, 50, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो 50 रुपीज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 50 रुपीज। ऐसे बिल्कुल यहाँ पर भी, ठीक है, सेम मेथड जो है यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। एक एटम का जो मास है कितना होता है, इतना होता है। अब इतने ग्राम के अंदर, ठीक है, कितने एटम होते हैं, 1 एटम होता है। अब 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर कितने एटम होंगे, 1/, ठीक है, ये जो मास है उसका, भाई, ठीक है, वो करना पड़ेगा। 12 ग्राम के अंदर कितने होंगे, ठीक है, × 12 करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। तो ऐसे ही वैल्यू आती है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। कार्बन जो 12 आइसोटोप है, कार्बन 12 के आइसोटोप के एक एटम का मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा निकाला गया, कितना, 1.99 निकाला गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल जो है, ठीक है, हम 3 टाइप से निकाल सकते हैं, 3 टाइप रहेंगे इसके भाई, ठीक है। टाइप फर्स्ट, सबसे पहले जो हम टाइप फर्स्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया, टाइप फर्स्ट कौन कौन से मोल के जो निकालने के, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 तरीके। एक तो क्या, पहला तरीका भाई, ठीक है, बाय मास, ठीक है, बाय मास रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, एन, ठीक है, ये दूसरा रहेगा, ठीक है, बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर वाले से हम निकाल लेंगे इसको, एवोगैड्रो से हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और तीसरा रहेगा जो आपका रहेगा, बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, ठीक है। 3 फार्मूले मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताए हैं। तो फर्स्ट जो है हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ पर, इसके बाद देखो एन, यहाँ पर जो पहला फार्मूला, नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू मास गिवन ए गिवन वेट, अभी थी गिवन वेट बटे मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं, जो उसका एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास है जो कि यू के अंदर आता है, उसको यू को टाइगर आप जो ग्राम पर मोल लिख देंगे वहां पर, ठीक है। तो ये फार्मूला रहता है। तो फर्स्ट टाइप यू रहेगा गिवन वेट, ये बाय वेट है, ठीक है, बाय वेट या फिर बाय मास, ठीक है, फर्स्ट वाला, इसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले का जो रहेगा एन इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, W/m, ठीक है। और जो दूसरे वाला क्या होता है, एन जो होता है दूसरे वाले के लिए क्या बताया, एन इज इक्वल टू, वो आपका होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन से हम डाउन करते हैं बटे एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और जो थर्ड जो बताया था आपको, क्या बताया था, वो जो बताया था आपका गिवन वॉल्यूम रहेगा बटे, ये गिवन होगा, ये कोई भी वॉल्यूम जो हो सकता है गिवन दे रखा होगा, ठीक है, बटे 22.4 लीटर के बराबर रहेगा, लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है भाई। तो इन 3 फार्मूले रहेंगे यहाँ पर हमारे, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना हम जल्दी जल्दी सीखते हैं, ये हमने जो 12th क्लास, 11th और 9th क्लास में भी हमने किए हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम आपको आज आपको जो बता रहे हैं। देखिए 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है, 12 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकालने हैं 12 ग्राम H2 के अंदर कितने रहेंगे भाई। तो एन इजिकल टू, यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, गिवन वेट है, तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया यहाँ पर, ठीक है। और एस टू का मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा, एक एटम कितना होता है, एक होता है, ठीक है, तो दो एटम कितना होगा, दो होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पुट कर दिया 12, ठीक है, और ये दो एटम के लिए क्या रहेगा, हाइड्रोजन के दो, ठीक है, यहाँ पर ये दो आएगा भाई, ठीक है, कितना आएगा, दो, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है, एक नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, रहेगा दो रहेगा, ठीक है, दो गुणा छह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, इसको अंडू कर लेते हैं एक बार, दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है कर लेते हैं, यहाँ पर ये 12 ग्राम अपॉन 2 ग्राम 2 ग्राम, ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो गलत है यहाँ पर, ठीक है, पर मोल तो 6 मोल जो आ जाएंगे, कितने मोल आ जाएंगे, 6 मोल। मोल देखो ये बेटा, ये SI यूनिट का सिंबल है, MOL, ठीक है, MOL क्या है, SI यूनिट का सिंबल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है ये, ठीक है, उसका सिंबल समझ गए। और उसका नेम जो होता है, नेम क्या है, नेम तो है MOLE, याद रखिएगा। और जो सिंबल है इसका, सिंबल क्या है, MOL, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ये डिफरेंस है भाई, समझ गए, दोनों के अंदर जो है। इसके बाद देखो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर, 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर क्या रहेगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन यहाँ पर गैस थी, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर, ये क्या है, ये एटम है, ठीक है, सिंगल एटम है अभी, 2 ग्राम, ठीक है। अब गिवन वेट कितना हो गया, 2 हो गया भाई, ये गिवन वेट है। और मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन के एटम का कितना होता है, 1 होता है, 2/1, तो 2 मोल हो जाएंगे। ऐसे ही 4 ग्राम हीलियम के अंदर कितना हो गया, ठीक है, 4 ग्राम, यहाँ पर ये क्या है, गिवन वेट, ठीक है, डब्ल्यू दे दिया। और ये क्या है, हीलियम का जो आएगा मास, ठीक है, मोलर मास जो आएगा इसका, वो कितना होगा, 4 4 यूनिट होता है भाई, ये 4 4 बार, ठीक है, कितना हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 1 मोल, ठीक है। और भी जो है, ठीक है, हम यहाँ पर जो देखते हैं एक बार,
क्या हो गया? हाँ ठीक है। हाँ दिख रहा है अब? यस सर, यस यस। सर। एक बार फिर से जो है 180 ग्राम जो यूरिया दे रखा है यहाँ पर जो है, ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो 180 ग्राम जो है यहाँ पर, ये क्या है, 180 ग्राम जो क्या रहेगा, ये गिवन वेट रहेगा डब्लू, ठीक है, और डब्लू जो है आपका रहेगा 180 ग्राम, और जो इसका यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका मोलर मास निकाल लेंगे अभी, ठीक है, एम निकाल लेंगे, कैपिटल एम निकाल लेंगे यहाँ पर। अब ये कैसे निकलेगा कैपिटल एम जो है, जल्दी बताओ भाई, मोलर मास कितना होगा, नाइट्रोजन कितने एटम है, नाइट्रोजन के दो एटम है, 2 × नाइट्रोजन एक एटम कितना होता है, 14 होता है, ठीक है, हो गया प्लस। उसके बाद जो आपका कौन रहेगा, कार्बन रहेंगे, कार्बन का निकाल लो, सिक्स कार्बन के इंटू कितने एटम है, कार्बन के एक कितना, 12 × 1 1 × 12 रहेगा, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 × 6 एक, 1 × 16, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन रहेंगे भाई हमारे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, चलिए बताइए, कितने हाइड्रोजन का एटम है, 4 × 1, कितने हो जाएंगे यहाँ पर जो है, 4 × 1 जो होगा ये आ गया। अब सभी को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 12 + 16 + 4, जल्दी जोड़ के बताओ, 28 × 12 कितना है, सिक्सटी 40, सिक्सटी 40 × 20, ठीक है, 60 ग्राम, ठीक है, पर मोल, देख के तो नहीं बोल दिया, यहाँ पर जो नो लिखा सर, हुआ था, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, गिवन वेट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल तो मैं निकाल लें अभी, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, W/m, W कितना दे रखा है, गिवन वेट दे रखा है कितना, 180 ग्राम इधर रखा है, और जो मोलर मास कितना आ गया, 60 ग्राम पर मोल आ गया, कितना, 60 ग्राम पर मोल आ गया यहाँ पर, ठीक है, पर मोल, ठीक है, पर मोल ऊपर चला जाएगा तो कट गया, कितना गया, 3 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएंगे, 3 मोल आ जाएंगे भाई, कितना आ जाएंगे, 3 मोल यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। ऐसे और भी देखते हैं भाई, ठीक है, एक दो प्रॉब्लम और, किसी को डाउट इसमें, 13.2 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड के दे रखे हैं, 13.2 गिवन वेट रहेगा, ठीक है, और इसको जो फिर जो यहाँ पर कर दिया भाई, ठीक है, पॉइंट हटा दें यहाँ से, 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर जो है, 440, ठीक है, जा रहे हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, तो 2 से काट दिया, फिर ये कितना, 0.1 ग्राम के अंदर भाई, ऐसा यूनिट जो, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, तो क्या रहेगी वो, ग्राम रहेगी भाई, ठीक है, तो 24 मिलीग्राम, ओजोन, ओजोन का पता ही आपको, कैपिटल एम कितना होगा इसका, ठीक है, एक एटम का 16 होता है, तो 3 का कितना होगा, 48, 3 × 16 करेंगे तो कितना आएगा, 48, 48 ग्राम 48 पर, 48 ग्राम पर मोल यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, आसान है। अब नंबर मोल निकाल लेंगे दोनों को जो, डिवाइड करके जो है, W/m करेंगे हम यहाँ पर, W कितना दे दिया, W कितना दे दिया, 24 मिलीग्राम था, 24 मिलीग्राम बोले तो 10⁻³, और जो रहेगा आपका यहाँ पर 48 ग्राम मोल यहाँ पर है, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक कट गया पर, 24 × 48 48, यहाँ पर ये आ गया भाई ये, ठीक है, एक पे गया ये, ठीक है, ये 2 हो गया, 1/2 कितना होता है, 1/2 कितना होता है आपका, 0.5 × 10³ जो है −18 हो जाएगा, इतने जो है मोल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये इतने मोल यहाँ पर ये हो जाएंगे, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, और जो हटा भी सकते हैं इधर की तरफ, 3 पॉइंट जो इधर आप लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट जो है 3 0 ये 5, ठीक है, इतने मोल हो जाएंगे, ठीक है, आप ऐसे भी जन निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है कैलकुलेशन जो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं इसको और देखते हैं भाई, ये हो गया सवाल, ठीक है, 24 मिलीग्राम वाला हो गया, 0.5 × 10⁻³ या फिर जब 5 × 10⁻⁴ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया, 0.40, ठीक है, उसके बाद 3 0 और ये 5, ठीक है, आप इसको यहाँ पर 5 × जो है 10⁻⁴ भी ऐसे भी लिखा जाए, तो आंसर में आपने देखना है कि कैसा आया हुआ है, समझ गए भाई, उसी अकॉर्डिंग जो आपने करना है, ठीक है, ये भी ऑप्शन में दे सकते हैं, ये भी ऑप्शन में दे सकते हैं, तो सारी पॉसिबिलिटी जो आपने चेक करनी है,
1.6 किलोग्राम ऑफ एसिड टू लेनी है, 1.6 किलोग्राम है ठीक है, किलोग्राम के जो ये बना लेंगे फिर यहाँ पर जो ग्राम रहेगा, क्योंकि हमारा आपका मोलर मास जो आता है ना ठीक है किलोग्राम में नहीं रखना है हमने ठीक है, ऐसा ही तो किलोग्राम है ठीक है, हमें ग्राम में रखना है क्योंकि यहाँ पर नीचे जो होता है आपका ग्राम पर मोल होता है, दोनों यूनिट जो होनी चाहिए आपकी सेम होनी चाहिए, ऊपर नीचे आपका क्या है आपका ग्राम ग्राम पर मोल है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए ग्राम में ही होना चाहिए ठीक है, तो किलोग्राम दे रखा उसे जो हमें ग्राम बनाने पड़ेगी ठीक है भाई, तो किलोग्राम के लिए क्या रहेगा 10^3 हो जाएगा यहाँ पर, फिर हम उसको सोल्व कर लेंगे भाई, सिंपल सी बात है यहाँ पर जो है। अब उसके बाद जो है फाइंड द मास ऑफ 4 मोल ऑफ NH3, अब ये इसी पर ही चाहिए थोड़ा सा जो टेढ़ा क्वेश्चन जो कर देगा, मास निकालना, क्या निकालना है मास, मास ऑफ 4 मोल ऑफ NH3 ये निकालना पड़ेगा ठीक है, W जो निकालना है आपके पास N जो आपको गिवन है, N तो दे दिए कितने ठीक है यहाँ पर जो आपके पास नंबर ऑफ मोल दे दिए हैं और मोलर मास आपको पता ही है NH3 का मोलर मास कितना होगा यहाँ पर जो निकाल करके दिखा रखा है ठीक है, एक एटम कितना था 14, तीन एटम का ठीक है 3 होगा ठीक है, तो कितना 17 हो जाएगा, 17 ग्राम पर मोल ये हो जाएगा यहाँ ठीक है, अब यहाँ पर जब पुट कर देंगे कितना हो जाएगा 68 ग्राम हो जाएंगे, तो 4 मोल NH3 के अंदर कितना होता है 68 ग्राम जो वेट होता है ठीक है, ग्राम में रहेगा भाई 68 ग्राम जो है, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया, सिर्फ क्या दे दिया मास निकालने के लिए दे दिया यहाँ पर, ये ऐसे क्वेश्चन जो हम 9th क्लास में कर चुके हैं ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने दे दिए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोल्स की एन की वैल्यू गिवन ठीक है, एन की वैल्यू कितनी दी है 0.25 एन की वैल्यू दे दी, और हीलियम, हीलियम का जो है मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है 4 ग्राम पर मोल ठीक है भाई, ये निकालना है, ये रहेगा 4 ग्राम पर मोल 0.25, अब तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करते हैं खाली क्या निकालना है W निकालने का फार्मूला हमारे पास, हमारे पास रियल में फार्मूला क्या होता है N=W/m, आप जो बेसिक सी याद रखिए और फिर इनको क्या करते हैं एक्सचेंज कर, W निकालना है तो इधर चला जाएगा भाई ठीक है, तो फार्मूला क्या रहेगा W=N×m हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी 0.25 दे दी और m कितना है यहाँ पर जो 4 रहेगा तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा भाई ठीक है, उससे गुणा करेंगे तो ठीक है 2500 का 100 ठीक है, 100 है तो 2 के बाद 0 लगेगी यहाँ पर जो आपका ठीक है, तो कितना जाएगा 1 ग्राम, कितना आ गया 1 ग्राम आ जाएगा ठीक है, ये 1.00 ग्राम आपका आ गया वेट। ऐसे ही यहाँ पर जो 5 मिलीमोल ठीक है, यहाँ पर जो 5 मिलीमोल एम यहाँ पर जो है मिली के लिए है, ये किसके लिए है मिली ठीक है भैया, मिली दे रखा है यहाँ पर मिलीमोल ऑफ CO2 5 मिलीमोल दे दिए ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास डब्ल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू निकालने का फार्मूला होता है N×M, तो एन की वैल्यू कितनी थी 5 मिलीमोल 10^-3 10^-3 है इंटू मोलर मास, मोलर मास इसका कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है 44 होता है, कैसे रहेगा ये 12 रहेगा और प्लस 32 ठीक है, तो कितना हो जाएगा 44 आ जाएगा यहाँ पर ठीक है, तो ये 44 इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना 44×5 कितना होते हैं 220 इतने 220 10^-3 ठीक है, इसको जो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर ठीक लगा सकते हैं, तो 220×10^-3 ग्राम में ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है, तो आप जो चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार ठीक है, वहाँ पर जो क्या ऑप्शन में दे रखा है 20 मोल ऑफ ओजोन इन किलोग्राम, मास निकालना है किलोग्राम के अंदर ठीक है, किलोग्राम में मास निकालना है, किसमें निकालना है भाई किलोग्राम के अंदर जो मास निकालना है इन किलोग्राम, किलोग्राम में हमें जो आज पूछा गया मतलब ऑप्शन में क्या बताओ किलोग्राम में मास दे रखा हो, या अभी तक तो हमने किसमें निकाल रहे थे ग्राम में निकाल रहे थे, किलोग्राम में निकाल जो ग्राम में आएंगे उसे किलोग्राम कर देंगे बट ठीक है 1000 कर देंगे, सिंपल सी बात है यहाँ पर जो है क्या रहेगा देखो n की वैल्यू यहाँ पर जो गिवन है क्या क्या गिवन है, n वैल्यू जो यहाँ पर ये गिवन है ये क्या है n की वैल्यू रहेगी, n की वैल्यू यहाँ पर ये रहेगी, ओजोन इसका निकालेंगे मास कितना आता है 48 आता है, तो n यहाँ पर जो है 20 दे दिया और 48 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 960 ग्राम आया, 960 ग्राम को जो हमने डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद टाइप सेकंड आती है, टाइप सेकंड जो रहेगा आपका क्या इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है ठीक है, टाइप सेकंड की हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ये वाला आपका फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या रहेगा N=N/N0 ठीक है, N0 या फिर जो है कई बार तो हम N0 लिख देते हैं और कई बार जो है हम NA लिख देते हैं, ये दोनों क्या एवोगैड्रो नंबर ही, दोनों की वैल्यू कितनी है 6.02×10^23 ही रही ठीक है, परेशान मत होइएगा यहाँ पर जो है ये दे दिया। अब देखो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं इतने ठीक है, ये रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि 6.02×10^23 के अंदर 1 मोल होते हैं, एक पार्टिकल के अंदर कितने मोल होंगे ठीक है 1/, ठीक है इतने पार्टिकल्स हम कर देंगे एन मोल में कितने होंगे (×N) कर, तो एन ए यहाँ पर जो आ जाता है आपका ये वाला फार्मूला यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये निकल के आया यहाँ पर ठीक है, ये बताया इन्होंने देर इज इंद्रगम डायरेक्ट जो फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे ठीक है।
तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका फिर से जो यहाँ पर करेंगे, पार्टिकल्स दे रखे हैं ठीक है, वो एटम ऑफ हीलियम, हीलियम के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए, 6.0622×10^26 पार्टिकल है किसके, हीलियम के, और वन मोल के अंदर कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 23, तो एन नंबर ऑफ मोल्स हमें पूछा गया कितना रहेगा। अब 6.022 से सेम ही कट जाएगा और यहाँ पर ये 26 है, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 10^26 ये गया इंटू 10^-23 हो जाएंगे ठीक है, ये ऊपर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे ठीक है, ये माइनस में हो जाएंगे पावर जो है, पावर जो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है 10^26 माइनस 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10^3 आ जाएंगे ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर जो है एन की वैल्यू कितनी आएगी 10^3 आ ठीक है, कितने जो मोल रहेंगे समझ में आया, पावर इंडिसेस ठीक है, ये सिंपल है भाई यहाँ पर जो है ठीक है, सिंपल सा मैथ है यहाँ पर जो है। इसके बाद क्या रहेगा 3.011×10^21 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, हम यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देते हैं किसके, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर जो है एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू कितनी गिवन है 3.011×10^21। इसके बाद ऑक्सीजन का Na कितना होता है 6.022×10^23 मास से हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि बाय मास तो है नहीं यहाँ पर जो है, तो स्मॉल n हमें निकाल लेते हैं n/Na ठीक है भाई, यहाँ पर जब वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की क्या क्या वैल्यू रहेगी 3.011×10^21 डिवाइडेड बाय 6.022×10^23। देखो मैं यहाँ पर ये क्या है इसका डबल है, आप देखो दो ये पॉइंट से आप जो हटा दें यहाँ से ठीक है, तीन अंक है ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर जो कट चुका है ये वाला पॉइंट से पॉइंट जो कट चुका है तीन अंक यहाँ पर है ठीक है। अब ये 3011 ठीक है कितना, ये दो पे जाएगा, कितना पे जाएगा दो पे जाएगा ठीक है। देखो ये जो नंबर दे होंगे ना हमेशा कोई देंगे ना, ये इसका डबल ट्रिपल ऐसा नंबर दे रहा जो कि इससे कटता होगा बिल्कुल बराबर में जो भाग हो रहा होगा ठीक है, इसका डबल होगा ट्रिपल होगा चार गुना होगा तीन गुना होगा ठीक है, ऐसा ही दे रखा होगा ठीक है, मुश्किल नहीं रहेगा भैया। अब बात रह जाती केवल जो ठीक है इनके पावर्स की, पावर्स को सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो 10^21 है इनटू ऊपर जाएगा तो 10^-23 हो जाएगा ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी भाई ऐड हो जाएंगी 10^21-23 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर जो 10^-2 ठीक है, और साथ ही क्या रहा आपका यहाँ पर 1/2 भी था, 1/2 को भी हम यहाँ पर जो है साथ में लिख लेते हैं ठीक है, इसको हम भूल गए यहाँ पर स्किप कर गए, तो 1/2 ये भी रहेगा यहाँ पर ठीक है, 1/2 × ये रहेगा 1/2 × अब 1/2 को आप ले सकते हैं 0.5 भी लिख सकते हैं गुना 10^-2, अब ये उसके अनुसार रहेगा आपका ठीक है, चेंज कर दो जो आंसर में क्या क्या दे रखा है ठीक है, इसके अंदर जो आपका ये आ जाएगा ठीक है, बहुत ही आसान है यहाँ पर, मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है भाई। एक और जो न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पर जो क्या रहेगा 1.5×10^25 मॉलिक्यूल है किसके, अमोनिया के, अब ये इसके नंबर ऑफ एन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, एन नोट तो पता ही आपको ठीक है, ये रहा आपका एन नोट, क्या रहा एन नोट ये रहा 1.5×10^24 है, अब देखो ये 1.5 और ये जो रहेगा वैल्यू जो है ठीक है, ये कितने पे जा रहा है चार पे जा रहा है ठीक है, ये जो यहाँ पर जो है चार पे जा रहा है ठीक है, ये एक ठीक है चार से डिवाइड हो रहा है ठीक है, बहुत ही आसान है यहाँ पर जो आप तीन जीरो लगा के कर दो ठीक है, यहाँ पर जो है दो जीरो लगा दो इसकी नाम की जो है ये चार पे चला गया गुणा 10^2 0.25×10^2 तो 1/4 कितना होता है 1/25 ठीक है ना, 1/25 मतलब 0.25 आ जाएगा ठीक है, 1/27 है ना तो उसको ले सकते 0.25 और 10^2 ठीक है, फिर ये इधर आएगा ठीक है, दो अंक इधर सरक जाएंगे तो 25 मोल हो जाएंगे ठीक है, 25 मोल हो जाएंगे, आसान है भाई। स्टॉप क्यों हो गया, ये क्या हुआ, एक एटम के अंदर हाफ मॉलिक्यूल रहेगा तो बताइए इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितना आएंगे 1/2 ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा तो कितना 3.011 आ जाएंगे भैया, 3.011×10^24 जो है 24 रहेगा। अब हाफ ऑफ ठीक है जो मोल निकाल लेंगे इसका भाई जो भी वैल्यू आती है कितना 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर ये आ जाएंगे ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फाइंड द मास, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पहले आया था
ठीक है, जैसे हमने मास वाले के अंदर क्या था, मास निकालना था, डब्ल्यू निकालने के लिए कहा था, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का जो मिक्सर है यहाँ पर, ठीक है, मिक्सर रहेगा इनका, जो मास हमें निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपको क्या रहेंगे यहाँ पर जो गिवन रहेंगे, और इनसे जो आपको ठीक है जो क्या निकालना है, मास निकालना है। तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो दो फार्मूले आपके बन गए भाई, एक तो फार्मूला बन जाता है कौन सा, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, और दूसरा फार्मूला होता है वो होता है आपका फार्मूला एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, ठीक है। अब ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, इक्वेशन एक, और ये भी क्या है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, तो हम दोनों इक्वेशन को बराबर रख सकते हैं भाई। तो एन आपका फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ठीक है, अब देखो ये चार जो आपके पैरामीटर्स हो, ठीक है ना, यदि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो इन दोनों में से कोई से भी आपके फार्मूला यूज करते हैं, गिवन वेट दे रखा है तो, ठीक है, उससे निकाल लेंगे। अब इन चारों में से जो देखो भाई ये एन ए है, ठीक है, एन ए की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है 6.02 × 10⁻², ठीक है, 6.02 × 10⁻², आ गया, ठीक है, ये रहा। इसके बाद जो रहेगा आपका ये एम, ये क्या है, ये मोलर मास है, क्या है, मोलर मास, ठीक है, ये मोलर मास रहेगा। तो बाकी जो बातें रहेंगी आपकी, ठीक है, ये है गिवन वेट, ये गिवन वेट रहेगा, ये गिवन होगा, ठीक है आपको, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये भी क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इनमें से कुछ भी जो आपसे पूछा जा सकता है, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ सकता है वो, ठीक है, जब आपको गिवन वेट दे रखा होगा तो, या फिर क्या दे रखा होगा, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि इस सवाल के अंदर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही आपको गिवन है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन होंगे, ठीक है, ये वैल्यू आपको ठीक है पता ही है, ठीक है, ऑलरेडी मोलर मास आपको उसके फार्मूले पता चला है, यदि ओजोन है तो O3 रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मोलर मास आप निकाल सकते हैं, और गिवन वेट आपको ठीक है निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे जो ये सवाल दिए जाएंगे, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है यहाँ पर, ठीक करके हम जो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, जिस सवाल को हम यहाँ पर करते हैं, इस वाली इक्वेशन को याद रखिएगा भाई, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को याद रखिएगा, दोनों फार्मूलों को मिलाने से ये जो फार्मूला आपका बना। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कि आपके पास जो फार्मूला क्या है, 6.02 × 10⁻²² मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन का कितना मास होगा, मास निकालना है, मास ऑफ 6.02 × 10⁻²² ओजोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं ओजोन के, उनका मास क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज द मास, ठीक है, ये जो आपने निकालना है, व्हाट इज द मास ऑफ 6.02 × 10⁻²³ ओजोन मॉलिक्यूल्स, कितने जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या क्या गिवन आपको, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाई, एन ए, एन ए तो अवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 × 10⁻²³, ठीक है, उसके बाद जो है आपका एन दे दिया, एन कितना है 6.02 × 10⁻²² अच्छा ये गिवन था कितना था 25 था, कितना था ये 25 में पूछा गया भाई, ठीक है, इसको जो मैं रब कर देता हूँ 25 का, ठीक है, हो गया भाई 10⁻², माइनस नहीं है, नंबर जो रहेंगे 25 ये गिवन है पर, ठीक है, तो ये कितना है 10⁻², ठीक है। इसके अंदर साथ यहाँ पर जो मोलर मास मतलब कैपिटल एम कितना होगा, ऑक्सीजन एक एटम का मास कितना होता है 16, तो 3 × 16 करेंगे यहाँ पर जो कितना आ जाएगा 48 ग्राम पर मोल, ठीक है, इतना हो जाएगा यहाँ पर। अब जो है हमें क्या निकालना है, ठीक है, इस फार्मूले को याद कीजिए भाई, तो W अपॉन M W अपॉन M इज इक्वल टू किसके बराबर होता है N डिवाइडेड बाय NA, ठीक है, यहाँ से जो ये वाला फार्मूला रहेगा, W कितना है, W तो हमें निकालना है, M कितना आ गया 48 आ गया, इज इक्वल टू N, N कितना है यहाँ पर जो है 6.022 × 10⁻²² रहेगा। देखो ये बेटा ये माइनस में नहीं होगा, क्योंकि नंबर हमेशा, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, ये माइनस में नहीं होंगे, × 10⁻²³ ये एन ए हो गया, ठीक है। अब जो आप क्या करते हैं, डब्ल्यू को यहाँ पर रखें, 48 को उधर लेके चले जाते हैं, 6.022 × 10⁻²²
6.022 × 10⁻², इधर आपका ये 48 आ गया। ठीक है, देखो ये सेम नंबर है, सेम से सेम क्या कट जाएगा यहाँ पर, उसके बाद आपका क्या रहेगा 25, ये आपका 30, ठीक है 23 रहेगा। तो यहाँ पर ये बच जाता है कितना, 10^2 × 48, तो वैल्यू कितना है, कितना मास आएगा, 48 × 10^2 जो होता है वो कितना होता है, 48 × 10^2 का मतलब क्या है 100, ठीक है, तो 4800 ग्राम, ठीक है, इतना जो है ये ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है, आप आज आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका 4800 ग्राम, ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया भाई, ठीक है, बिल्कुल सेम यही था, ऐसे ही ठीक है। इसके अंदर जो है 3.011 × 10^22 वॉल्यूम रहेगा, इसको भी जो आप निकाल सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन में एटम्स हैं हीलियम के, वो जो निकालने हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो है तो ये 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर नीचे गया ऊपर माइनस के 1 होगा।